कौन किसका दूल्हा, कौन किसकी दुल्हन, किसके यहाँ शादी हो रही है, कौन किसके माँ बाप. Now let to clear all of this, let us call upon stage the man जिन्होंने ये सब कुछ शुरू किया, the director of the movie, Mr. Manish Harishankar. Ladies and gentlemen, Manish ji. सब माइक. और बहुत ही एक्साइटिंग मूवी ये लग रही है. सवाल सबसे पहले आपसे ये कि ये आइडिया कहाँ से आया कि लाली की शादी में लड्डू को दीवाना होना चाहिए. आइडिया कहाँ से आया जी, ये तो बहुत स्टोरी तो मैं सोचता रहता हूँ, तो ऐसे ही सोच के आया और क्या कहाँ से आएगा. सी ये फिल्म जो है ना, ये फैमिली रिश्तों के बारे में फिल्म है. यू नो, एक फैमिली, एक मैरिज के अराउंड ये फिल्म घूमती है. काफ़ी रोमांस है, काफ़ी एंटरटेनमेंट है, ड्रामा है. लेकिन मैं बिल्कुल कहना चाहता हूँ कि इस फिल्म में जो द मोस्ट क्रूशियल इम्पोर्टेंट सेगमेंट इज द इमोशंस. The emotions, which is the family, the family emotions, the relations within the family, between father and son, between father and daughter, and usi ke beech mein, you know, everything is negative, but when you'll see the film at the end, you'll find a very very positive thing out of that. That is the aim. मनीष जी, आप बतौर चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर मिस्टर राजकुमार संतोषी जी के साथ काम कर चुके हैं काफी बड़ी बड़ी उनकी फिल्मों पर टू हेल्म अ मूवी लाइक दिस विद ये इतने सारे और बड़े बड़े नाम, बड़ी बड़ी स्टार कास्ट, ये पूरा एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा रहा, बिकॉज यू आर द कैप्टन ऑफ द शिप. डेफिनेटली मैं इन मोस्ट ऑफ देम, इनके साथ मैंने काफी पहले भी काम किया है. अक्षरा, विमान, इनके साथ पहली बार काम कर रहा हूँ. गुरमीत के साथ भी पहली बार, कविता के साथ भी पहली बार काम कर रहा हूँ. लेकिन बाकी लोगों के साथ मैंने सुहासिनी जी के साथ शायद पहली बार काम कर रहा हूँ. लेकिन जो संजय जी हैं, सौरभ जी हैं, उन लोगों के साथ मैंने काफ़ी काम किया है, तो कंफर्ट लेवल तो रहता है. इस फिल्म की रिक्वायरमेंट थी काफ़ी, बहुत इसमें सारे जो रोल हैं वो सब बहुत ही पावरफुल रोल है. ठीक है, डेफिनेटली वो तो इस फिल्म की रिक्वायरमेंट थी कि अच्छे अच्छे एक्टर हो, तो पंचेज, वो जो डायलॉग्स वगैरह सब अच्छे से आए. तो मैंने सोचा कि अच्छे एक्टर के साथ काम करो तो शायद लाइफ में कुछ अच्छा होगा. द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म इज मनीष हरिशंकर. लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू. और देखिए, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ सर, हर एक डेयरिंग आइडिया को आगे बढ़ाने के लिए एक डेयरिंग सेट ऑफ प्रोड्यूसर्स की बड़ी जरूरत होती है. Definitely. बहुत जरूरी होते हैं ऐसे प्रोड्यूसर्स जिनको पूरा बिलीफ हो, पूरा विश्वास हो आपके अंदर. तो अभी मैं स्टेज पर बुलाना चाहती हूँ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन एंड द एक्स प्रेसिडेंट ऑफ फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया, इट्स ऑल द सेम पर्सन, मिस्टर टीपी अग्रवाल. टीपी सर, एंड टीपी जी के साथ एक्टर, डायरेक्टर एंड अ प्रोड्यूसर ऑन दिस फिल्म, मिस्टर राहुल अग्रवाल. गुड आफ्टरनून सर. सर, सब बस यही सवाल आपसे कि मनीष जी के इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए, बैक करने के लिए, व्हाट कन्विंस्ड यू टू डू दिस? एक्चुअली व्हेन मनीष केम टू विद द कॉन्सेप्ट, आई लाइक द आइडिया वेरी मच, एंड स्पेशली द कास्ट विच ही वाज टॉकिंग. एंड एक ही चीज़ बहुत गलत की इन्होंने, कि उन्होंने मुझे बजट बहुत कम बताया था. बट व्हेन आई स्टार्टेड द पिक्चर, मेरे पसीने आने शुरू हो गए आस्ते आस्ते. बट अल्टीमेटली एंड में जो होता है वही अच्छा होता है. द फिल्म हैज बीन मेड ऑन अ वेरी बिग बजट एंड ऑन अ वेरी बिग, मतलब यू कैन सी द रिचनेस इन द पिक्चर, द लोकेशंस ऑफ द पिक्चर, एंड ही हैज डन वंडरफुली गुड. और फिर मेरे साथ दोस्तों का बहुत सारा था, सब फ्रेंड्स साथ थे, फैमिली साथ थी, सो डेफिनेटली टू मेक दिस पिक्चर वॉज नॉट डिफिकल्ट. एंड नाउ लेट्स वेट हाउ द पिक्चर कम्स, देन इन लेट्स सी व्हाट हैपेंस. इट्स अ नाइस पिक्चर, लेट्स सी. थैंक यू. जहाँ तक मुझे लगता है, मेरे से ज़्यादा सर को कन्विक्शन है इस फिल्म में. मेरा तो है ये 100%, लेकिन सर की कन्विक्शन ही है जिसकी वजह से सब कुछ होता गया. नहीं तो वी आर वेटिंग फॉर द करेक्ट डेट फॉर द लास्ट वन ईयर, वेटिंग फॉर द करेक्ट डेट. एंड डेफिनेटली फिल्म इंडस्ट्री के अंदर एक डेट को ढूंढना बहुत मुश्किल काम होता है. आई नो माई एक्टर्स, दे आर फीलिंग वेरी बैड कि पिक्चर रिलीज नहीं हो रही है, हमने 6 महीने से 8 महीने से काम किया हुआ है. And definitely I was also feeling bad for them, but
अगर पिक्चर 10 पिक्चर के बीच में आ जाए तो उससे कोई फायदा नहीं है. सो नाउ वी आर हैविंग अ वेरी गुड डेट एंड आई एक्सपेक्ट दैट द पिक्चर शुड डू अ वेरी गुड बिजनेस. और मेरे साथ मनीष का फ्यूचर है, मेरे सारे एक्टर्स का फ्यूचर है, अक्षय का फ्यूचर है, विवान का फ्यूचर है, माई ऑल दी एक्टर्स आर देयर. पिक्चर चलती है तो सबका भला होता है, पिक्चर नहीं चलती तो वी कांट से एनीथिंग. एंड आई होप दिस पिक्चर विल डू वंडरफुली गुड. थैंक यू वेरी मच. सर शुभ मुहूर्त निकाल के ही शादियां होती हैं, तो शुभ मुहूर्त निकल आया है अभी. राहुल अगला सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि सर ने तो कहा कि जब स्क्रिप्ट आया इनके पास बजट देख कर ये थोड़े बोले कि हाँ ठीक है, बट बौखला गया, फिर इवेंचुअली बजट बढ़ता चला गया. आपको क्या ख्याल आया सबसे पहले इतनी इतनी बड़ी स्टार कास्ट के साथ मूवी आई है एक? वेल यू नो सर वाज कंप्लीटली कन्विंस्ड एंड व्हेन ही इज कन्विंस्ड सो यू नो द बिग बॉस सेज यस. But has it been a smooth ride making this film? Absolutely, absolutely, absolutely. Always, you know, it's always the journey which is fun. So, yeah. Sir, अभी मुझे लगता है कि leading cast के बारे में आपने बात कर ली, उनके बिना थोड़ा खाली खाली सा लग रहा है stage. तो stage पर मैं बुलाना चाहती हूँ, ladies and gentlemen, put your hands together for our charming Lali और Akshara Hassan. Good evening, Akshara. Hello. Hi. Sorry, took longer than expected. Hi. Well, Akshara, you've entered the film industry with a bang. और उसके बाद अब ये film full blown लंबी चौड़ी comedy. Yes. कैसा रहा इसमें लाली बनना? It feels amazing to work with amazing actors again. I'm really lucky and very thankful to work with such amazing actors in my second film. So, and thank you Manish sir and TPG for the opportunity, and thank you for giving me a lovely experience to all the actors. To aapke baaki actors ko bula lete hain stage pe, ladies and gentlemen, can we hear for Akshara first please? Thank you. Leading lady ke leading man, laddu jaise adorable Mr. Yes. Vivan Shah, aa jaiye. Hi Vivan. Good evening. Hello. Now looks like you had a lot of fun making this film. Bahut maze kiye is film ko banane mein. Oh yes, bahut hi maze aaye. It was a blast throughout. It was a lark for everybody. We just had a blast. We were laughing and rollicking all the time. It was amazing. It was so much fun making the movie that I'm sure it's going to be as much if not more fun watching the movie. But आपको प्रॉपर ऐसे रोमांटिक गाने वाने भी आप कर रहे हैं उसमें, वो कैसा रहा विवाद? वो बहुत मुश्किल था क्योंकि मैं I'm more inclined towards comedy and buffoonery and that sort of thing, and to sort of do all those romantic scenes with a straight face, that was the challenge. विवान शाह, ladies and gentlemen. But देखिए हमारी मूवी में विवान एक और लीडिंग मैन है ना जी. अभी हमने ऑन स्क्रीन रोमांस की बात की है तो इनसे बेहतर तो कोई कर ही नहीं सकता. अरे प्रिंस वीर मिस्टर गुरमीत चौधरी. गुरमीत क्या तो आप गाने गाते हैं स्टेज पर ऐसे, मतलब उफ, पेड़ के बाजू में खड़े होकर नोबडी कैन डू इट बेटर. गुरमीत ये एक्चुअली मनीष जी ने करवाया. बोला एक तरफ पेड़ और एक तरफ खूबसूरत अक्षरा आसन है तो रोमांस किसके साथ करेंगे. मैंने कहा कि पेड़ तो कोई बात नहीं, अक्षरा साथ में तो इससे अच्छा रोमांस क्या हो सकता है. बॉलीवुड में कदम जम गए हैं गुरमीत, बॉलीवुड में कदम जम गए हैं. प्रिंस वीर के बारे में हमें बताइए, क्या है इस मूवी में आपका किरदार? वेल मेरा किरदार का नाम वीर है और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मैं राजश्री की सारी फिल्मों का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ और खासकर सलमान खान जो फिल्में करते हैं राजश्री के साथ, प्रेम का जो किरदार वो निभाते हैं. जब मुझे मनीष जी ने कहा कि वीर का किरदार निभाना है इस फिल्म में, तो मेरा होमवर्क था कि सलमान खान की जितनी भी फिल्में प्रेम का एग्जैक्टली ये वीर है, और वो मेरा होमवर्क था. और मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, बचपन से उनकी फिल्में देखता आया हूँ. तो ये प्रेम है, बस नाम बदल गया है, वो वीर है. गुरमीत चौधरी, लेडीज एंड जेंटलमैन. देखिए गुरमीत, विवान, अक्षरा, शादियां दो हो रही हैं तो हमें दुल्हन भी दो चाहिए स्टेज पर, है ना जी? बिल्कुल. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई लाइक टू कॉल अप ऑन स्टेज पलक उर्फ कविता वर्मा. That's a beautiful gown, Kavita. Thank you. Wonderful, sensational. Yeah, I know, I can imagine. Tell me about it. Same boat. Please. Sorry.
कविता, आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ट्रेन्ड एक्टर हैं। इस मूवी में वो सारी की सारी आपकी जो थिएटर बैकग्राउंड है, एक्टिंग है, वो सारा एक्सपीरियंस काम आया, काम में लिया आपने पलक के कैरेक्टर को करने के लिए? आई थिंक इट्स बेटर टू बी ट्रेन्ड एंड देन हॉन योर स्किल्स, लाइक गुरमीत हॉन्स हिज बॉडी, ही इज अ वेरी, ही इज अ सिक्स पैक गाय, एंड आई थिंक एवरीबडी नोज दैट बोथ विवान एंड अक्षरा हैव अ रिच लिनेज टू फॉलो एंड दे ऑल हैव बीन ब्रॉट अप इन theater background, if I know not whatever. Me. Not me. No, so Vivan, Naseer sir, so like it's like NSD again, and Ratna ma'am again NSD. So, mujhe aisa lagta hai ke it's really honor to be with them. It's a great honor. Well, this is your palak, ladies and gentlemen, Miss Kavita Verma. Lekin honestly na sir, and honestly media bhai behno, जब किसी लड़की की शादी होती है घर में, then it is less about the dulhan, it is more about dulhan के पिताजी. शुक्ला साहब, लेडीज एंड चेयरमैन मिस्टर सौरभ शुक्ला. नमस्कार सौरभ सर, गुड इवनिंग. सर, अभी कुछ हफ्तों पहले आप बेटी की शादी करा रहे थे, अभी आप फिर बेटी की शादी करा रहे हैं, लेकिन इस बार गुलाबों पर नाचते हुए नहीं दिखेंगे लगता है. इस बार कुछ ज्यादा मेहनत लग रही है शादी कराने में. पिछली फिल्म में जिसका आप रेफरेंस दे रही हैं, जिसमें शादी करा रहा था मैं, उसमें छोटा डांस था, इसमें जरा बड़ा डांस है. तो सर बताइए सर, आपके एक्सपीरियंस के बारे में, आपके कैरेक्टर के बारे में. मेरे कैरेक्टर के बारे में तो मैं, अब मुझे इंडस्ट्री में इतने साल हो गए कि अब मेरे को ये क्लियर हो गया, जब तक पैसे नहीं मिलेंगे मैं कुछ बताता नहीं हूँ. तो ऐसा है कि अगर मेरे कैरेक्टर के बारे में जानना है तो टिकट खरीदिए और आइए और देखिए. ठीक है, दुल्हन के पिताजी मिस्टर सौरभ शुक्ला. और एक छोटी सी बात मैं बोल देता हूँ, हम लोगों ने इस फिल्म में बहुत मजे किए, और अक्सर जिंदगी में हर कोई मजे ही करना चाहता है, करता भी है, बट ऐसा अक्सर कम होता है कि जब आप मजा कर रहे हो तो आपके काम में भी उतना ही मजा हो. एंड आई थिंक दिस फिल्म इज अ ग्रेट एग्जाम्पल. व्हेन आई डिड द फिल्म आई हैड ग्रेट फन, बट व्हेन आई सॉ इट आई हैड बेटर फन. सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन. आई थिंक एवरीवन डिड अ ग्रेट जॉब इन दिस. थैंक यू. और अब मैं स्टेज पे बुलाना चाहती हूँ हमारे उन एक्टर को जिनके बिना कॉमेडी फिल्में मुझे तो पर्सनली बड़ी अधूरी सी लगती है. लड्डू के मेंटोर बने हैं मिस्टर संजय मिश्रा. गुड इवनिंग संजय जी. संजय जी, आप हर किस्म की फिल्में करते हैं, चाहे वो कॉमेडी हो या ट्रेजेडी हो, हर किस्म की फिल्में करते हैं. अच्छा, ये नहीं बोला हर किस्म की स्मगलिंग करते हैं. हर किस्म की फिल्में करता हूँ मैं सर. ये वाला कैरेक्टर आपके लिए कैसे डिफरेंट रहा करने के लिए? कैरेक्टर देखने के लिए सौरभ ने बताया आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन हाँ, ये लाली की शादी में एक्टर्स दीवाने, हम लोगों ने बहुत मस्ती की जी. एक्टर्स दीवाने थे और मज़ेदार था, सब कुछ मज़ेदार था. बॉम्बे में शूटिंग नहीं थी, बड़ौदा में किया था ना. हाँ, तो बहुत गुजराती खाना एंड सब कुछ बढ़िया खूबसूरत था, एंड बेस्ट अक्षरा एंड सब लोग थे, तो मस्ती नहीं. ये भी थे, वो भी थी, बुलाइए उनको. मिस्टर संजय मिश्रा, लेडीज एंड जेंटलमैन. मनीष जी, आपकी बाकी की अभी हम कास्ट को भी स्टेज पर बुला ही लेते हैं ना. मिस सुहासिनी मुले, सुहासिनी जी, सुहासिनी जी, दूसरी शादी पे. किशोरी मैम, मिस किशोरी शाहने, एंड मिस नवनी परिहार. मिस नवनी इज, शी इज नॉट हियर. ओके ओके. गुड इवनिंग किशोरी जी. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. प्लीज परिचय कराएं. अब मैं सही यही सवाल पूछ रही हूँ सबसे, बट क्योंकि इतने सारे किरदार हैं, इतने सारे पात्र हैं फिल्म में, लाली की शादी में लड्डू दीवाना, आप कहाँ दीवानी हो रही हैं इसमें? वेल, पिक्चर में ही हम दीवाने हो रहे हैं सारे. और आप जो खुशी टीपी जी की शक्ल पे देख रहे हैं, जो प्रोड्यूसर इतने खुश है हमें सबको यहाँ पे पेश करके और ये ट्रेलर दिखा के, तो आप इत्मीनान रख सकते हैं कि दिस फिल्म इज़ अ वंडरफुल मूवी जो मनीष जी ने मेहनत की है पूरी फिल्म में. और थैंक यू सो मच फॉर गेटिंग अस ऑल टुगेदर
एंड हम सब एक दूसरे के फ्रेंड्स भी हो गए इस फिल्म के जरिए, और ये फिल्म बहुत अच्छी बनी है. ये टीपीजी की शक्ल से मुझे नज़र आ रहा है. ही इज़ अ वेरी वेरी ही इज़ अ वेरी वेरी कंजर्वेटिव एंड वेरी पर्टिकुलर प्रोफेशनल प्रोड्यूसर. बहुत मेहनत करते हैं. और जो हमने बड़ौदा में शूटिंग की, मतलब कभी कभी ऐसे लगता था कि यार एक्स्ट्रा नाइट शूटिंग हो रही है, कितना लंबा कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कॉस्ट हो रहा है. नेक्स्ट डे हम टीपीजी की शक्ल देखते थे, वो हंसते खेलते नजर आते थे, बोलते थे वो तो लगना ही है पिक्चर बन रही है, इतनी बड़ी पिक्चर बन रही है तो डेफिनेटली इतना खर्चा तो होना ही है. सो आई रियली विश टीपीजी फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट एंड द एंटायर स्टार कास्ट कि दिस मूवी शुड बी अ सुपर हिट बिकॉज इट मैटर्स टू ऑल ऑफ अस. वंडरफुल. वेल टीपी सर, एक मूवी को बनाने के पीछे बहुत सारे लोग लगते हैं जो बहुत मदद करते हैं इस मूवी को पूरी बनाने के लिए, तो मैं स्टेज पर उन सभी को बुलाना चाहती हूँ. फ्रॉम ब्राइट आउटडोर्स मिस्टर योगेश लखानी, फ्रॉम जी म्यूजिक मिस्टर कीर्ति राय. कीर्ति, हाँ, इससे पहले मैं सनी खन्ना जी को बुलाना चाहती हूँ फ्रॉम व्हाइट लायन. सनी जी, आर यू हियर? मिस्टर विपिन पटवार, लेडीज एंड जेंटलमैन, मेंबर्स ऑफ द मीडिया, दिस इज लाली की शादी में लड्डू दीवाना. पूरा कास्ट और क्रू आपके सामने है. इससे पहले जी मनीष जी, ही इज द म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ द फिल्म. और कोई इज हियर? नो, रेवंत इज नॉट हियर. एंड ओके, महिमा भारद्वाज इज हियर? महिमा जी, नो. ओके ओके, हाँ, कम कम. स्टीवन सर इज हियर? प्लीज कम सर. लेजी सर इज हियर? ही इज द एडिटर ऑफ द फिल्म. ही इज वन ऑफ द, ही इज इन चेन्नई. प्लीज कम सर. आरसी गर्ग साहब, सर, ओके. और इससे पहले कि हम क्वेश्चन आंसर्स का सिलसिला शुरू करें, आई विल ओपन द हाउस टू द मीडिया इन अ बिट. जो हमारे फोटोग्राफर भाई हैं यहाँ पर, अगर आप फोटो ऑप्स करना चाहते हैं पहले, है ना, यू आर वेलकम, यू आर वेलकम. प्लीज प्लीज फोटोज ले लें और फिर हम क्वेश्चन आंसर्स का सिलसिला शुरू करते हैं. स्टार कास्ट के साथ वन ऑन वन बाइट्स भी हम करेंगे बाद में, Q&A के बाद, बाहर, आउटसाइड, वी विल डू दैट. फोटो ले लीजिए प्लीज. कैन आई रिक्वेस्ट द स्टार्स टू द स्टार कास्ट टू स्टे ऑन स्टेज.
कर ले हम क्यों नहीं. अच्छा सोलो ओके. मेरा सवाल अक्षरा से. अक्षरा यू कैन हियर मी बी देयर इन द सेंटर. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टुक यू सो लॉन्ग. इफ यू बी देयर इन द सेंटर. राहुल जी, कैन आई आल्सो रिक्वेस्ट यू टू कम अप ऑन स्टेज. ओके ओके अक्षरा, माय क्वेश्चन इज व्हाट टुक यू सो लॉन्ग आफ्टर शमिताभ द वन, एंड अनदर वन इज व्हाट मेड यू यस टू फिल्म लाइक लाली की शादी में लड्डू दीवाना, एंड अनदर वन, डू यू हैप्पी विद विवांशा एज अ लीडिंग मैन. आई होप वी वांट टेक इट ऑन अ पॉजिटिव नोट. आई होप सो विल. Okay, which one do I answer first? In order? In order. Okay, what took me so long is the first question, right? What took me so long is because I didn't fit for those particular roles, and I finally found Lali where I fit the role according to TPG and Manish ji. So that's what took me so long. And why Lali? Because I found a lot of soul, a lot of emotion, like Sir said, and they're very real, genuine emotions, and there is a very realistic sense to the story. And the third question was, I'm so sorry. Vivan. Vivan was is the best leading man I've worked with so far. I have learned a lot from him, and so was Gurmeet. So I've enjoyed working with every single actor part of this film and everyone else, because they have taught me so much, and it has changed my thinking of performing. So hopefully you all like my performance. Okay, you said just right now, a few minutes back, you said there was offer coming in, but was not okay. You are not okay with it. What type of not, offers were not coming me. In? It wasn't that I wasn't okay with it. They thought of me, but maybe I didn't fit the role, which is fair enough because that happens. And sorry, you were going to ask something else? Do you think comedy is one of the most toughest genre to do? Yes, definitely. It's a lot harder than crying. It's very hard to make people laugh, but very easy to make people cry. And it is very true. So yes, comedy is very hard. A lot harder than making people cry or anything else. Yeah. The question is to Vivan. Vivan, we have so many senior artists in the film, which includes Sanjay ji, Saurabh Shukla sir. There's so many, you know, who have done so much in the film industry. Post Happy New Year, now you're coming with a film that is Lali Ki Shaadi Mein Laddu, and that too with a leading man. Are you nervous? Yes, absolutely nervous, because it's a huge responsibility for all of us, you know, for Akshara, Gurmeet and myself, to be the leading people of this, of such a film of this magnitude, and really a film which I really think will matter, which means, because these are all the traditional classic emotions which to us as Indians, which really matter a lot, you know, marriage, family. These are very human emotions, and especially for us as Indians, because hum bahut jazbati hain. Indians are naturally very emotionally inclined, and we are more emotional than other cultures, which are probably more cerebral. Hum log
और जज्बात से आई थिंक गवर्नड है. और आई थिंक एज टीपी जी सेड द इमोशंस ऑफ दिस फिल्म आर वेरी स्ट्रांग एंड विल रियली आई थिंक अफेक्ट द ऑडियंस एज वेल एज द कॉमेडी. And as Akshara said, that it's actually tougher to do comedy than it is to do drama, because it's easier to make people laugh than it is to make them cry, because comedy is all, it's a very technical thing. And it's something, it's and that doesn't just go for movies. I think it's the same case in real life. Agar asli, real life mein bhi aisa hai ki kisi ko hasana aur mushkil hai rather than to make someone cry. You can make someone cry quite easily, but you can, it's difficult to make them laugh. Jaise abhi bhi agar main kuch joke kahunga aur log hasenge ya na hasenge, wo और मुश्किल है लोगों को हंसाना या रुलाना. Did you had a word with Nasir sir before signing the film? This is the film which is offered to me, and that too with the leading man. जी जी जी, I mean everything that's offered to me, I ask him what he thinks of it and what not. Gurmit, जैसे अभी यू नो होस्ट ने कहा कि अब तो चल पड़ी गाड़ी चल पड़ी इंडस्ट्री में. Do you agree with this? I hope you take it on a positive note. Or what was the first reaction the moment this the maker of the film approached you for this? Manish ji se jab main pehli bar mila aur inhone jab mujhe narration diya, you know, aur usme is film mein jo family aur jo emotion hai wo bahut hi acha. Aur main aapko bata dun, kuch saalon tak main TV karta raha aur jo mera image raha, you know, chahe wo Ram ka geet ka aur Punarvivah ka, you know, वो फिल्मों में कहीं ना कहीं मुझे करने को मौका नहीं मिला. ऐसा नहीं है कि जब आपकी यू नो बड़ा मुश्किल होता है बॉलीवुड में वो कदम रखना, और आप जो चाहते हो वो मिलना बहुत मुश्किल होता है, बट आप कोशिश करते हो कि आप आगे बढ़े, तो वो चीज़ मुझे मिल नहीं रही थी. एंड फाइनली जब मुझे मनीष जी ने मुझे ये बताया कि ये किरदार है और ये फिल्म है, तो मुझे तभी ऐसा लगा कि मुझे ये फिल्म करनी है. और इतने सालों तो जो ऑडियंस टीवी में मुझे देखते आए हैं वो कहीं ना कहीं इंतज़ार करें कि गुरमीत को इस तरीके का रोल में देखें, तो मुझे लगता है ये उनको जवाब मिल जाएगा. और मुझे बड़ी खुशी है जब मैंने प्रोमो देखा, जब गाने देखे, जब इन सब के साथ जब हमने शूट किया, तो बहुत मज़ा आया. मनीष जी सॉरी, एक और चीज़ मैं भूल गया कहने अपने कोस्टार्स के बारे में. इतना मज़ा था इन दोनों के साथ काम करके, मतलब मैं बता ही नहीं सकता हूँ, मैं डिस्क्राइब ही नहीं कर सकता हूँ. अक्षरा आई थिंक इज द फाइनेस्ट एक्ट्रेस ऑफ आर जनरेशन. शी इज ट्रूली रिमार्केबल एंड यू गाइज आर गोना रियलाइज दैट व्हेन यू वॉच द फिल्म. आई मीन शी इज नेचुरल एंड शी इज अ फोर्स ऑफ नेचर. आई मीन शी इज द कूलेस्ट एंड मोस्ट अमेजिंग एक्ट्रेस. एंड गुरु के साथ तो यार इतना, मतलब वी बिकेम सच क्लोज बडीज थ्रू आउट द कोर्स ऑफ मेकिंग द फिल्म. और दोनों से बहुत बहुत सीखने को मिला, दोनों से इतना सीखने को मिला. और इतनी आई थिंक जब वो जो कैमराडरी जो डेवलप हो जाती है रियल लाइफ में, वो स्क्रीन पे भी रिफ्लेक्ट होती है. मनीष जी ऑन योर लेफ्ट एंड बिहाइंड, यहाँ कैमरे के पास यहाँ. सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन सारे स्टार कास्ट को. एंड ट्रेलर बहुत ही इंटरेस्टिंग है. एंड ये जो टाइटल है लाली की शादी में लड्डू दीवाना, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है. तो ये जानना चाहेंगे कि ये टाइटल कहाँ से आया, या ये इतना इंटरेस्टिंग टाइटल कहाँ से आप लोगों ने चूज किया? टाइटल दो तीन बार चार बार डिसाइड करने के बाद फाइनली रीच किया था इस पर, क्योंकि ये टाइटल जो है ना, ये इट सेज अ लॉट अबाउट द फिल्म. जब आप फिल्म देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि इससे बेटर टाइटल नहीं हो सकता. तो पहुंचते पहुंचते पहुंच गए राइट टाइटल पे. एंड गुरु भाई ऑन योर सेंटर यहाँ, जैसा कि आपने अभी अभी बताया कि ये जो आपका किरदार है लव गुरु टाइप्स का है, तो हम ऐसा आपने सलमान खान का भी नाम लिया. गुरु है तो लव गुरु कैसे हो गया? क्योंकि आपने सलमान खान का भी नाम लिया, तो हम ऐसा माने कि सलमान खान से आप इंस्पायर्ड हैं? हाँ भाई बोलिए बोलिए बोलिए. हम ऐसा माने कि सलमान खान से आप इंस्पायर्ड हैं, क्योंकि आपने अभी अभी सलमान खान का भी नाम. देखिए बॉडी तो सलमान भाई को ही देख के बनाई है. हम कहीं ना कहीं बचपन से, मुझे लगता है, मैं हमेशा कहता हूँ कि इंडिया में जितने भी जिम खुले हैं उन सबको यू नो आई मीन थैंक्स बोलना चाहिए सलमान खान की वजह से हम सब ने बॉडी बनाई है. और रही बात इस फिल्म की बारे में, इस किरदार के बारे में, जैसे मैंने आपको कहा कि बचपन से मैं उनकी फिल्में देखता आया हूँ. वो जो किरदार प्रेम का है वो बड़े दिल के करीब है मेरे. और जब मनीष जी ने मुझे बताया, तो मुझे लगा कि इससे बहुत लोग, बहुत एक्टर होमवर्क करते हैं इस किरदार को. अब जो भी आपको किरदार मिलता है, तो मुझे लगा कि ये प्रेम है, मुझे प्रेम दिखाना है और यू नो वो किरदार निभाना है. बस नाम बदल गया है, अगर वीर के बदले प्रेम भी होता तो आई थिंक बिल्कुल मैच करता है इसके साथ. ओके टीपी टीपी जी, जैसे सलमान खान की बात हुई है, तो आपसे जानना चाहूंगा वो ऐसी कौन कौन सी आदतें हैं जो आपको सलमान खान की बहुत अच्छी लगती हैं और बहुत ही क्वालिटीज? देखिए क्योंकि मैं फ़ैन हूँ, तो मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगता है. एंड जैसे मैंने कहा कि बॉडी, एक तो बचपन में पता नहीं जब उनके 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 जब
गाने देखे तभी मुझे लगा कि अभी जिम जाना चाहिए, तब घर वालों ने बोला कि अभी एज नहीं हुई, अभी जिम मत जा। तो उनको देख के, उनकी स्टाइल, हर चीज़ बहुत अच्छी लगती है। एक फैन से अगर आप पूछेंगे तो मैं बहुत लंबी लिस्ट खोल सकता हूँ। ओके, अरे स्टारकास्ट से सभी से जानना चाहूँगा, विवान एंड सभी से, कि इस ट्रेलर में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि कौन सा लड्डू कौन सी लाली को मिलेगा, हमने देखा। अच्छा ठीक है, ठीक है। विवान जी आप कुछ बताइए कि कौन सा लड्डू कौन सी लाली खाने वाली है, अगर आप कुछ बताएं तो सभी से जानना चाहें। नहीं, लाली अक्षरा है, लड्डू मैं हूँ। तो इसमें क्या है, दीवाना वो ही एक्चुअली सवाल ये है कि दीवाना कौन है, और वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये एक दो शादियां हो रही हैं और उनमें जो कन्फ्यूजन्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ, वो उसकी तरह है। जैसे अगर एक बहुत पुराना प्ले होता था ऑस्कर वाइल्ड का, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, जो जिसका स्टोरी कई सारे हिंदी फिल्मों ने भी सिमिलर टाइप का स्टोरी, अबाउट मिस्टेकन आइडेंटिटी, जो सिचुएशनल ह्यूमर, जो सर्कमस्टांसिस की वजह से जो कॉमेडी होती है। तो आई थिंक आवर फिल्म इज इन दैट काइंड ऑफ जॉनर, इट्स दैट काइंड ऑफ थिंग। गुरु भाई, जैसा कि हमने आपकी फिल्मों में, टीवी में भी हमने आपको रोमांस करते हुए देखा है, एंड आपकी पिछली फिल्म में हमने आपको एक्शन में और रोमांस दोनों करते हुए, मेरे कलीग ने अभी कॉमेडी की बात की, तो आपके लिए कॉमेडी करना कितना टफ था या इंटरेस्टिंग था? जैसे विवाह ने कहा कि बहुत टफ होता है, रुलाना तो बहुत ईजी होता है जेन्युइनली, लेकिन हंसाना बहुत मुश्किल होता है, खासकर जब आप शूट कर रहे होते हैं तो बड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन जब टीम अच्छी होती है, जब आपके एक्टर्स में अच्छी दोस्ती बन जाती है, जब आपके डायरेक्टर्स के साथ वो कंफर्ट लेवल इतना अच्छा हो जाता है, तो आप हमेशा एक अच्छा चीज़ निकाल पाते हो। तो आई थिंक उसका सबसे बड़ा रीज़न जो है, जब आप फिल्म देखेंगे आपको बहुत मज़ा आने वाला है, उसका रीज़न यही है कि मुझे लगता है हमने एक टीम की तरह काम किया है। ओके, टिपी जी, मेरा सवाल आपसे सर, आपने कहा कि बहुत वक्त लगा फिल्म को, क्योंकि रिलीज़ की एक डेट आप ढूंढ रहे थे, और जिस तरह का हाल फिलहाल थोड़े दिन पहले एक हादसा हुआ, जब हादसा ही कहूँगा उसको मैं, काबिल और रईस की स्क्रीनिंग को लेके जिस तरह की मुश्किलें आईं, कहीं ये सब जो कुछ हो रहा है इंडस्ट्री में, जब स्क्रीन की मैं बात करता हूँ, तो उसी वजह से इतना सब कुछ वक्त लग गया कि किसी से क्लैश ना हो, किसी से मनमुटाव ना हो? डेफिनेटली मनमुटाव की बात नहीं है, ये मुझे खाली वीक का मिलता है। अगर दो दो पिक्चर आ रही हैं, पांच पांच पिक्चर आ रही हैं एक साइड पे, तो देर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी फेट, इजंट इट? सो नाउ व्हेन आई गॉट द बेस्ट टाइम, सो आई एम रिलीजिंग द पिक्चर। डू यू थिंक दैट देयर हैज टू बी सम प्रोसीजर वेयर द फिल्म शुड नॉट बी क्लैश? फॉर एग्जांपल, सम बिग फिल्म शुड नॉट कम टुगेदर एट अ वन डेट ऑन वन? सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, आई वेटेड फॉर दैट ओनली, आई वेटेड फॉर दैट ओनली, नाउ देर इज नो द बिग पिक्चर, एंड कोई आ रही है तो क्या करें फिर? कभी यू कैन नेवर गेट अ वैकेंट वीक, कभी आपको मिल ही नहीं सकता कि आप अकेले आ रहे हो, इट्स नॉट पॉसिबल। But we should try not to have a clash with a very big picture. Okay, difficult question. When I started looking for actors, that time I had bound script. I had script in my hand, so I knew what I want actually. So I started with Vivan and Akshara, that pair, that freshness. I was looking for a fresh pair, which, you know, unusual fresh pair I was looking for. So when first I met Vivan and then Akshara, I don't know, simultaneously or one day, 2 days here, there. And when I got both of them on board, then I got confidence ki, okay, now things are going in the right way. And then eventually I signed Gurmeet and Kavita, all four. So when all these four were there, then I knew that this film is going to be a different film as far as casting concerns, lead casting concerned. And I've been working with Saurabh ji, Sanjay ji, Darshan ji for long, around 10 years, 8 years. So they were in my mind. So I just told them they did the film. They liked the film, they did the film. Okay. I play Palak, as you saw, and I believe in a line by a novelist called Paulo Coelho. The line goes like, it's better to have loved and lost than to have never loved at all. And my character is on the same lines. She is a diehard lover, she loves to be loved, and she also sacrifices her love. And sometimes when I go back to Indian cinema, I feel that sacrifice is the best emotion. If you play it right, you have hit the target. And I think I've got awesome star cast with me. Akshara Hassan is ethereal on screen. She is a power-packed performer.
And I think Gurmeet, you seriously need to watch out for him. He's amazing. And please don't underrate Vivan. He's going to really blow it up. Please. And I'm telling you, I vouch for Vivan. Thanks a lot. We all vouch for each other, I guess. Hello. Hi, Director Sir. My question is here in the center. Okay. My question is, with such a twisted and tangy marriage tale, how did you go about the casting? Since you've already talked about the four lead cast, can we talk about the other casting that you've done for the characters? See, Saurabh ji is playing Lali's father. Okay, and Darshan ji is playing Vivan's father. The story revolves around Lali and Laddu's family. Okay, this is a family where we go with the story. And Sanjay ji, there is a very interesting backbone, you can say, of the film, who is not in the family actually, but he talks. So he is one of the main this thing who is carrying the story away, you know, forward. So Sanjay ji was the right person. So I spoke to him. And as Saurabh ji and Sanjay ji told that you have to buy ticket to no more. So I think I should stop now. Okay, my next question is to Vivan. Just now you already mentioned Oscar Wilde's importance of being earnest. Don't you think it's a little risky to compare a Bollywood movie, masala movie, with a classical tale? No, I don't think so, because you know, I think a lot of Bollywood movies, although they may not seem so, are definitely, they come from a literary tradition, and not just from writers from the West, but even from our country. Jaise Sharad Chandra Chattopadhyay ho, Devdas ji, ya to Premchand ji ki kahaniyan ho, ya to, I think our tradition bahut saalon se sahitya ke sath ek sambandh hai filmon ka. So that's why I mentioned Oscar Wilde. Okay, thank you. We pick up a lot from, it's a kind of symbiotic relation from the theatre and from the literature. The cinema does have a kind of a relation with those two other mediums. Do we have any more questions? Yes, we do. Of course we do. Hi, Asira here. My question is to the star cast. The producer just mentioned that it took some time for him to find a single window for the film. How easy or difficult that wait is for the actors? Well, it can be difficult sometimes, and not at times. It depends on what kind of impact you may have with your performance. So accordingly, having release, no release, I feel would affect accordingly. Yeah. Gurmeet, Vivan, Kavita, I would like you to answer the question as well. What is the question again? No, it doesn't really affect your, you have to have patience. At the end of the day, in this line of work, in the movie business, it's very important for one to have patience, because there's always a right time for a film to release. So it's very important to have patience. And Guru Bhai, jo abhi abhi maine notice kiya ki aapke star cast mein jitne bhi aap real life ki agar main baat karu to shaadi ke laddu aapne hi khaye hain real life mein. To inhe kuch tips dena chahenge Vivan and thoda sa gyan do abhi. Bhai aapne bahut research kiya. Kuch aap tips dena chahenge Vivan, Akshara and Kavita? Nahi, wo baat wahi hai na, laddu jab tak nahi hota hai to bada dil karta hai ki laddu kha le. जब लड्डू आता है तो दिल नहीं, मैं बोलूं नहीं, देवी ना बहुत मारने वाली है, नहीं हाँ, लेकिन बहुत लड्डू अच्छा होता है. तो अभी इस फिल्म की बात आते हैं, इस फिल्म में अभी देखते हैं कि लड्डू कितना दीवाना है, कौन किस पे दीवाना है. यस, दोबारा में क्योंकि अच्छा, और एक गुरु भाई, और एक सवाल, क्योंकि आपने बताया कि आप सलमान खान के बहुत बड़े फैन हैं, उन्हें भी कुछ शादी के लड्डू के टिप्स देंगे आप उनके पास कुछ? मैं कौन होता हूँ, आई मीन एज अ फैन बोल सकते हैं आप? नहीं, हम सभी चाहते हैं कि शादी हो, और इंतजार रहेगा डेफिनेटली. यू नो अक्षरा, जस्ट विशान जस्ट मेंशन, यू आर वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेस इन यंग जनरेशन. देर आर सो मेनी अदर एक्ट्रेस हु आर डूइंग रियली गुड इन द इंडस्ट्री. हाउ डू यू सी आलिया भट्ट एज एन परफॉर्मर इन द इंडस्ट्री? यू नो शी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर वी हैव. शी इज अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस एक्चुअली. शी आई थिंक लाइक शी इज रियली प्रोबब्ली वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेसेस. शी इज ट्रूली अमेजिंग. आई मीन शी कैन प्ले एनी काइंड ऑफ कैरेक्टर.
And she's one of the most she's probably the most versatile actress there is. I mean, and she's a powerhouse. She's amazing. I'm a huge fan of hers, as I think all of us are. Akshara, what's your take on that? I remember seeing from the time, I've been seeing her work since SOTY. And I love the way she's grown and come into her own. And I really, really respect her as an actor. I love watching her on screen. It's beautiful watching her on screen. And very natural, with ease. It's really nice to see that in our generation. And well done for her. Kudos, Alia. And great personality also. Really cool, hip kind of personality. Really like a real rock star she is. Okay, you appreciated a lot, Akshara, to her. But when we come in our professional front, do you see any competition, you know, with Alia? See, there's always competition even in high school. Sports, studies. So, fortunately, I've gotten to meet her and I think she's a wonderful person. And if you don't have competition in life, then we'll get lazy and we will start stagnating with our work. So for me, if it's competition, then I would say she challenges me because if she can do it and she inspires me, then I would like to do my best as well. So it's no competition, it's just something which helps me do better. So thanks, Alia. All right, we're going to take the last two questions now, if there's any. Sir, मतलब आप तो ना गुरु भाई के घर पहुंच जाओ. अच्छा, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके. हाँ भाई बोल. Last two questions, ladies and gentlemen, please. अगर डेविना जी ने अगर ट्रेलर देखा हो या आपने उन्हें दिखाया हो तो उनका क्या रिएक्शन था या अगर कुछ बताना चाहें आप? नहीं जी, उन्होंने अभी तक देखा नहीं है. आई थिंक 2 बजे आज ट्रेलर लॉन्च हो गया होगा. अभी शायद हो गया. आई एम श्योर कि उन्होंने सबसे पहले वो शूट कर रही हैं और डेफिनेटली उनको बहुत इंतज़ार है देखने का. और आई एम श्योर कि अभी फ़ोन मेरे पास नहीं है, उनके पास कॉल आ गया होगा. और आई एम श्योर कि ट्रेलर बहुत अच्छा लगा है और सबको बहुत अच्छा लगेगा. और जैसे ही मैं मिलूंगा तो उनका फीडबैक ज़रूर अच्छा मिलेगा. तो क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं आप उनसे? आखिरी सवाल. नहीं, दोनों पूछ लिया ना. हाँ, क्या वापस बोल के धीरे बोल रखते हैं आप उनसे, क्योंकि आपने कहा कि आई थिंक फोन आ गया होगा, तो उनसे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं? जी देखिए, मेरी वाइफ हैं, वो भी बहुत इमोशनल हैं. एंड जैसे ये मेरी फिल्म है, उनको भी ऐसे ही लगता है कि वो उनकी फिल्म है. एंड आई एम श्योर कि सबको अच्छा लगे, उनको भी बहुत अच्छा लगेगा. और लेडीज एंड जेंटलमैन, ट्रेलर आ चुका है यूट्यूब पर, प्लीज जाएं शेयर करें, फेसबुक, ट्विटर, एवरीवेयर. दिस इज लाली की शादी में लड्डू दीवाना. ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज वन मोर टाइम. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर योर टाइम. Thank you.
Before I ask you anything about the film, how hard you work on yourself? So I'm basically a dancer and sports person. I've been dancing and playing football for the past almost 20 years now. So for me, being fit is very important. And yes, I got very unfit in between, especially during Shramita. So I work out hard every day. I jog about 15 kilometers or so. So that and working out every day does make a difference, and eating healthy. Okay, tell us about the film Lali Ki Laddu, Shaadi Mein Laddu Diwaane. It's a fun comedy drama film. The comedy parts will make you fall on the floor and laugh. The emotions will hit you, and you will connect to the film quite a bit. I hope so. Okay, instead of going for a comedy genre, why did you go for some romantic film? What's the reason behind this? This is a romance and comedy. I'm a fan of comedy, and I thought since I'm getting a good combination of both romance and comedy, then why not? Because both is what I also like, apart from my action films that I love to watch and my sci-fis and thrillers. But yeah. Any favorite comedy film from Bollywood? Wow, that is. There are Padosan, there are Jaane Bhi Do Yaaro. Yeah, see, it starts, like you said, from Padosan to Jaane Bhi Do Yaaro. So it's very hard to pick one, because ek picture ka apna magic hai. So you can't replace that. So there's too many to choose from. But yes, Padosan is one of my all-time favorites. What was the first reaction the moment you came to know Vivaan is opposing you as a leading man? After doing Shantab with Dhanush, now you have Vivaan Chak. I'm so happy actually to work with Vivaan, because I think he's one of the finest actors, and I've learned a lot from him. And plus, we have been friends since a young age, since Naseer sir had worked on Hiram with my father and mother. So we did have that friendship from the beginning, and that just got stronger. Okay, Ali is also coming to the film called Badrinath Ki Duniya. That too is a romantic comedy. What's your take on that? And it's looking good, and wish them luck. Thank you so much. Thank you. See, she is Palak, and Palak is a die-hard lover. उसे मोहब्बत से मोहब्बत है. कहते हैं कि अगर आपको मोहब्बत से मोहब्बत हो तो आपको अल्लाह जो है नवाजता है खुशियों से. और मुझे लगता है कि इस फिल्म में पलक जो है वो एक तार है लाली और लड्डू के बीच में. अब वो तार जो है वो क्या करता है क्या नहीं करता, ये आपको सिनेमा घर में जाके देखना पड़ेगा. बट शी इज़ अ डाई हार्ड लवर एंड शी लव्स टू बी लव्ड. अक्षरा इज़ लाली और लड्डू तो आप जानते ही हैं मेनली विवान है. और मैं लड्डू और लाली के बीच में एक ऐसा तार प्ले करती हूँ जो इन लोगों को किस तरह से एक दूसरे से जोड़ता है और कैसे कन्फ्यूजन पैदा करता है. और गुरमीत जो है वो एक राजकुमार, एक प्रिंस का किरदार कर रहे हैं. और ही इज़ प्लेइंग अ प्रिंस. एंड देखिए आप किस तरह से चारों में से कौन किसके लिए दीवाना है और आखिर में लड्डू कौन कौन खाता है. Interesting anecdotes from the shoot? Like what? Anything interesting that you'd like to share with us? See, I think Vadodara Palace where we shot is extensively huge, and वहाँ पे जो मेरा bridal look जो मैंने किया, I really found that very ethereal and very larger than life, which you have to really see on screen. It'll look very beautiful. And I always say that this film is basically on performance. ये एक performance oriented film है जिसमें आपके कलाकार का एक तरह से acid test है. तो आप लोग आइए और हमें सराहिए. I think Rahul Agarwal and producer TP Agarwal, they both are they know their job very well. और उन लोगों ने बड़ी शिद्दत से इस फिल्म को बनाया है. And I really congratulate them for that with all the patience they had. And Manish sir is it's his debut film, and I wish him luck. Thank you.